अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार न्यूज फास्ट में क्या है कुछ खास। रक्षाबंधन यानी राखी, भाई बहनों का प्यार। लेकिन महिला विकास मंच ने सीमा पर चौकस जवानों को राखी बांधकर उनके आंखों में आंसू और दिलों में प्यार उमार दिया। बता दें, महिला विकास मंच ने अपने कार्यों से रच दिया है इतिहास। भारतीय सीमाओं के रक्षक वीर प्रहरी, जो अपने घर को छोड़कर भारतीय सीमाओं पर अवैध रक्षक की भांति खड़े रहते हैं, भारत के वीर जवान और सीमा पर खड़े रहते हैं, उन्हें घरों में सोते नहीं। और ऐसे लोग रक्षाबंधन पर, उनके भी मन में ये पीड़ा उठती है कि काश वो घर पे होते तो उनकी बहन उन्हें राखी बांध रही होती। और यही बीड़ा उठाया महिला विकास ने। आपको बता दें, रक्षाबंधन के इस त्यौहार पर भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित हमारे देश के सशस्त्र सीमा बल के जवानों और नेपाल के एपीएफ फोर्स के दोनों देशों की बेटियां एक दूसरे देश के जवानों को राखी बांधी। नेपाल की बहनें भारतीय जवानों को राखी बांधी तो भारत की महिलाएं भी नेपाल की सेना को राखी बांधकर आभार व्यक्त किया। आपको बता दें कि महिला के विकास एवं उत्थान के लिए समर्पित संगठन विकास मंच ने सीमा पर खड़े प्रहरियों को राखी बांधकर एक अनूठी मिसाल कायम की है। महिला विकास मंच एक समाज के लिए बहुत बड़ा परिवार है, तो बस एक परिवार के नाते हम लोग यहाँ पे आए और एक परिवार से जुड़ करके रक्षाबंधन मनाए, और हमें बहुत खुशी हुआ कि हमने दोनों देशों के साथ मिलकर रक्षाबंधन मनाया। सीमा पर तैनात जवान यहाँ तो दो देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन आपके लिए तो सभी भाई जैसे हैं और भाई की तरह ही आपने रक्षाबंधन किया है, तो उनसे क्या फिर आशीर्वाद में क्या मांगा है? क्योंकि लोग बहन भी मतलब कुछ उम्मीद करती है कि भाइयों से क्या आप मतलब मन में रखे। मैं मांगी हूँ दोनों भाइयों से कि आप लोग ऐसे मिल के रहें, दोनों देश आपस में मिला रहे, दोनों अपने अपने ड्यूटी पे एकदम सही से काम करें और हम लोगों को इसी तरह सुरक्षित रहे, क्योंकि ये भाई लोग अगर बाहर निकल के सुरक्षा ना दे तो फिर हम बहने तो ऐसे भी सेफ नहीं हो पाएंगे। क्या नाम हुआ? हमारा नाम दीपशिखा सिंह, महिला विकास मंच जिला अध्यक्ष मधुबनी। और सीमा पर एक साथ मिलकर रक्षाबंधन किए हैं, वृक्षारोपण यहाँ करवाए हैं बॉर्डर पर, तो क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारी तरफ से यही संदेश है, जो सदियों से जो नेपाल और हिंदुस्तान का जो संबंध चला हुआ है, तो उसी को बरकरार रखने के लिए इस जो रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में हमने दोनों तरफ वृक्षारोपण भी किया है। और हमारे जो भारत साइड से जो महिला मंडल की जो महिलाएं, उन्होंने अपने भाईचारे के रूप में नेपाल पुलिस और एपीएफ को राखी बांधी है, और उधर से एपीएफ वालों की जो महिला कांस्टेबल, उन्होंने हमारे इस पावन अवसर शुभ त्यौहार पर राखी बांधी है। तो हमारे को ऐसा लगा कि हम घर में बैठे हुए, हमारे को घर का बिल्कुल याद नहीं आया। तो इस तरह के आयोजन से संबंध प्रगाढ़ होंगे भारत नेपाल के, इससे और भी आगे आने वाले समय में और भी रिश्ते हमारे मधुर होंगे। पर कुछ भी हमारे में आज तक मेरे को 2 साल हो गए जहाँ बॉर्डर में कोई ऐसा इशू नहीं हुआ, दोनों तरफ से हम मिलजुल के काम करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा असिस्टेंट कमांडेंट परमात्मा सिंह। तो साथ रहा है, आगे भी रहेगा, और दोनों की संस्कृति एक है और रक्षाबंधन भी संस्कृति एक है, इसलिए रक्षाबंधन भी साथ में आप लोग मनाए हैं, तो क्या संदेश आज देना चाहेंगे दोनों देशों के लिए? आज हमी इस नेपाल र भारत को सीमा में खड़ा छौं, यही अवसर में आज रक्षाबंधन नेपाल को पनि एउटा ठूलो चाड हो र भारत को पनि एउटा ठूलो चाड हो, तर यो चाडलाई हामी संयुक्त रूप में इंडिया को दीदी बहनी को हाथ बट हामीले राखी ग्रहण गर्यौं, र हाम्रो चेलीबेटी बाट इंडिया को एसएसबी को साथीहरुले राखी बांध्नु भयो। यो एउटा नेपाल भारत को एउटा बीच को संबंध अटुट एकदम घनिष्ठ छ भन्ने कुराको प्रमाण हो यो, र हामी यस्तै सम्बन्ध चाहन्छौँ। भारत र नेपाल एकदम नजिकको छिमेकी जस्तो छ, हजारौँ वर्षदेखिको सम्बन्ध जस्तो छ, त्यस्तै सम्बन्ध अझै पनि अगाडि बढोस् भन्ने चाहन्छौँ। र यो अवसरमा हामी घरबाट धेरै टाढा भए तापनि हाम्रो आफ्नो मान्छे यहाँ पनि कोही छ भन्ने चाहिँ लागेर एकदम खुसी छौँ हामी। क्या नाम हुआ सर आपको? मेरो डिएसपी नीलकमल आचार्य, 7 नंबर बटालियन एपीएफ सिरा। आपको बता दें, सीमा पर ड्यूटी कर रहे राजनगर बटालियन अंतर्गत अरहारा कैंप के जवानों को पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ राखी बांधी गई। वहीं नेपाल के सिराहा जिला सीमा पर स्थित भारत के जयनगर और अन्य सीमाओं पर स्थित नेपाली बेटियां भी भारतीय जवानों को राखियां बांधी।
इस कार्यक्रम में दोनों देशों की बेटियां एक दूसरे देश के जवानों को राखी बांधकर एक मिसाल कायम की है। मिथिला का रीति रिवाज के अनुसार पाग और दुपट्टा से सम्मानित भी किया गया, साथ ही पर्यावरण संरक्षण हेतु इसकी याद जन जनमान तक तर रहेगी। बता दें, देश की सीमा पर अपनी तरफ से दूसरे देश के पौधा भेंट कर पौधारोपण भी किया गया और इस अवसर पर अनेक पत्रकारों ने खबरों को कवरेज भी किया। यह अपने आप में एक मिसाल कायम करती है, एक अनूठी मिसाल। भाई बहन के इस रक्षाबंधन पर सेना के जवानों को राखी बांधकर उन्हें जहां उत्साहित किया गया, वहीं एक मिसाल कायम हो गई। मधुबनी से सुरेश कुमार की रिपोर्ट। दोस्तों, आपने अनुभवी आंखें को सब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि आप पहले के सब्सक्राइब को भूल जाइए और नए तरीके से इस नई अनुभवी आंखों को आप अपना समर्थन दीजिए, सहयोग कीजिए। एक बार फिर से सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए। आपके इसी भरोसे पर हम हमेशा खरा उतरेंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि हम सच्चाई दिखाते हैं, छुपाते नहीं।